कैरेट यूट्यूब चैनल में आज हम चल रहे हैं एक हथियार के बारे में पढ़ने के लिए। हथियार कौन सा है? 81 mm मोर्टार। ये इसका काम क्या है? बम बरसाता है, बम बरसाता है। ये देखिए इसको, इसका पूरा नाम क्या है? 81 mm मोर्टार L-16। इसका पूरा नाम यह है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक विशेषता को जान लेते हैं। काफी हथियार को पढ़ा चुका, सबका कैरेक्टरिस्टिक तो मतलब कि जो भी इन्फेंट्री में हथियार यूज किए जा रहे हैं उसका मेन मैं कवर कर दी। अब यहाँ पर चल, अब इस वीडियो में चलिए 81 mm मोर्टार का कैरेक्टरिस्टिक को बता देता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक देखिए, टाइप क्या है? मोर्टार है। प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ? यूनाइटेड किंगडम। इसका जो है कि ये डिजाइन कब किया गया था? 1956 में। वेट ऑफ साइट विथ केस, या वेट ऑफ साइट विथ केस, अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा, एक किसी वीडियो में मैं बताया था वेट ऑफ साइट विथ केस। तो यह वेट ऑफ साइट, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, यह विथ केस आपको थोड़ा डाउट होगा। वेट ऑफ मोबाइल, वेट ऑफ मोबाइल विथ कवर, मतलब कि जो आपको कंपनी मोबाइल बना के दी उसका सिर्फ वजन, और फिर उसके बाद आप उस मोबाइल पे कवर लगा दिए, उसको केस कर दिए, उसका ऊपर से कवरिंग कर दिए ताकि मोबाइल, भैया महंगी महंगी मोबाइल लिए आऊँ या 20,000-50,000, तो उसके लिए केस लगता है, तो उसको लेकर के इसका वजन कितना है? 4.7 kg। लेंथ ऑफ बैरल 1280 mm। क्रीव, कितने लोग इसको चलाने के लिए चाहिए इस मोटार को? 3 लोग, 3 crew member। कैलिबर कितना है? 81 mm। मजल वेलोसिटी 305 meter per second। किलिंग एरिया 5.5 meter। ऑल अराउंड इसको देखिए, यहाँ पे किलिंग एरिया और डेंजर एरिया, मतलब कि यह जो 5.5 मीटर है इसके अंदर में अगर कोई रहेगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पे डेंजर एरिया यह 90 meter है। 90 meter का मतलब क्या है कि 90 meter में के एरिया में कोई है तो उसे खतरा हो सकता है। खतरा तो होगा ही, काफी भयानक खतरा हो सकता है। यह 5.5 meter ऑल अराउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ब्रस्ट। इसका मतलब कि सपोज दैट यहाँ से आपने मोटार को चलाया, यहाँ से आपने मोटार को चलाया और ये आपका एरिया यहाँ पे 5 मीटर है और ये एरिया यहाँ तक आकर के आपका 90 meter हो जाता है। ये 5 मीटर, ये 90 मीटर मान लीजिए। सपोज दैट इस, अगर यहाँ पे अगर ब्रस्ट हुआ, इस पॉइंट पे अगर ब्रस्ट हुआ इस पॉइंट पे, तो इसके 5 मीटर के एरिया में हर एक चीज न्यूट्रलाइज हो जाएगी, दैट इज नोन एज द किलिंग एरिया। और इसके 90 मीटर वाला जो एरिया है, इसके बाद जो 90 मीटर का है उसको क्या बोलते हैं? डेंजर एरिया, कि वहां पे नुकसान तो होगा लेकिन तो खतरनाक है। रेट ऑफ फायर, रेट ऑफ फायर वही है सेम जैसे हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ। स्लो में कितना है इसका? 6 to 8 bombs per minute। नॉर्मल में 9 to 11, रैपिड में 12 to 20। अब रेंज कितना है? 90 meter, 500 meter मिनिमम, 90 मैक्सिमम 500 meter। Dud pit's going to be located 50 meters off the berm, right over there on the right-hand side of the range. Good? Yes, sir. Yeah. Who's going to do the brief? Hang it. Yeah, bro. It's driving towards us and that church off to the right-hand side of it. Yes, sir. Get up on that fucking target. इस वीडियो में हमने पढ़ लिया ये कैरेक्टरिस्टिक हुई है 81 mm मोर्टार का। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ राइफल, राइफल को जोड़ना और खोलना। राइफल को कैसे जोड़ेंगे, कैसे खोलेंगे? हर एक राइफल का एक ही तरीका होता है, खोलने और जोड़ने का थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस होता है लेकिन तो बेसिक वही रहता है। तो इस समय हो रहा है 9:10, रात का 9:10 हो रहा है। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रिपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ राइफल के बारे में पढ़ा जाएगा। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फॉर जय हिंद।